नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आशिमा त्यागी। 131 का हुआ अल्बर्ट। ये अल्बर्ट कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूजियम है जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और इसकी बाहरी और अंदरूनी खूबसूरती देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है। और अभी हाल ही में 21 फरवरी को अल्बर्ट संग्रहालय ने अपनी 131वीं सालगिरह मनाई। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जितनी पुरानी हो जाती हैं उसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है। पिंक सिटी का अल्बर्ट हॉल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यही नहीं, यहाँ कुछ ऐसी चीजें संग्रह की हुई है जो की एक राज है और इस राज के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारों ने कुछ ऐसे तथ्य पेश किए हुए हैं। उन तथ्यों को देखकर दिमाग तो ये मान लेता है कि राजदार बनी ये वस्तुएं वाकई में अस्तित्व रखती हैं, लेकिन दिल को यकीन नहीं होता है। तो चलिए आपको मिलाते हैं 131 साल के अल्बर्ट से। गुलाबी नगरी का जहां इतिहास विशाल है तो वहीं यहां के हेरिटेज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और इसी में एक आता है जयपुर में स्थित विश्वविख्यात अल्बर्ट हॉल, जिसकी अपनी अलग ही छवि है और इसे देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। और इसी साल 21 फरवरी को अल्बर्ट हॉल ने अपने 131वें साल में प्रवेश किया और इस रिपोर्ट में हम आपको अल्बर्ट हॉल की खूबियों से रूबरू करवाएंगे। यूं तो राजस्थान के कोने कोने में इतिहास बिखरा है, जहां जाएंगे वहां भव्य राजमहल और संग्रहालय मिल जाएंगे, लेकिन आज हम ऐसे संग्रहालय की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दफन है कई राज, जिसके अंदर एक लाश है, लेकिन वो लाश को ना तो आज तक जलाया गया है ना दफनाया गया है। इस संग्रहालय के अंदर राजा महाराजाओं से लेकर आज तक जितने भी इतिहासकार रहे, जितने भी लोग रहे, उनके दास्तां यहाँ दफन है। राजस्थान के इतिहास में कई ऐतिहासिक कलाएं, पुरातत्व कहानियां और राजशाही संग्रह है, जिनमें से एक है अल्बर्ट हॉल। आकर्षक दिख रही अल्बर्ट हॉल अपने आप में एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसे जानकर शायद आप चौंक जाएं। उस राज को बताने से पहले, गुलाबी नगरी के बीचों बीच रामनिवास बाग में मौजूद इस ऐतिहासिक संग्रहालय से आपका परिचय कराना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि 21 फरवरी को अल्बर्ट हॉल ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया। अल्बर्ट हॉल सरकारी केंद्रीय संग्रहालय है जो कि अपनी खूबी से देसी और विदेशी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। यहां आपको राजस्थानी वीरों की शौर्य दर्शाती राजा की तलवारें और रानियों की कटारियां भी देखने को मिल जाएंगी, जो इतिहास का आईना है। वहीं टच स्क्रीन कियोस्क और वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी जो आधुनिकता को दर्शाता है। अल्बर्ट हॉल का इतिहास। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी डिजाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने की थी। इसका नाम किंग एडवर्ड 7 ने दिया था। 6 फरवरी 1876 में अल्बर्ट हॉल नाम पड़ा। 21 फरवरी 1887 को पब्लिक संग्रहालय खुला। यहां पुराने चित्र, दरिया, हाथी दांत, कीमती पत्थर हैं, धातु की मूर्तियां और कई रंग बिरंगी वस्तुएं। पुरातत्व विभाग के अधीन आता है यह संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल की इमारत हस्तशिल्प का सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसकी कलाकृतियों के संग्रह देश के कई भागों से इकट्ठा किए गए। अल्बर्ट हॉल नहीं, मैंने जयपुर पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है आमेर जयपुर, अ ड्रीम इन द डेजर्ट। इस पुस्तक का जो फॉरवर्ड है वो राजमाता गायत्री देवी के द्वारा लिखा गया है
जहाँ तक एल्बर्ट हॉल का प्रश्न है, ये 1876 में सवाईराम सिंह सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया था। इंग्लैंड के प्रिंस एल्बर्ट ऑफ वेल्स यहाँ जयपुर आए थे और उन्हीं के नाम से इसको नाम एल्बर्ट हॉल दिया गया। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो एक इंजीनियर थे, कर्नल स्विंटन जेकब उनका नाम है। इस मॉन्यूमेंट की खास बात यह है कि जयपुर में ये अपने आप में एक अलग तरह की मॉन्यूमेंट है। इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो स्थापत्य है, वो अन्य जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। इतना जानने के बाद आपको ये उत्सुकता जरूर हो रही होगी कि अल्बर्ट हॉल के अंदर आखिर क्या है। अल्बर्ट हॉल में क्या क्या है? धातु कला, शस्त्र, मूर्तियां, अंतर्राष्ट्रीय कला, मिट्टी के बर्तन, लघु चित्र, संगमरमर कला, हाथी दांत, आभूषण, संगीत वाद्य यंत्र, फर्नीचर और लकड़ी कला, सिक्के, परिधान और कपड़े, मिट्टी कला, गलीचा। आधुनिक युग सेल्फी का युग है, तो यहां आने वाले लोग अपने आप को सेल्फी लेने से आखिर कैसे रोक सकते हैं? आप साफ तौर पे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं कि लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सेल्फी का माहौल दिख रहा है, फोटोग्राफी का माहौल दिख रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर का जो एल्बर्ट हॉल है, यहाँ पे फोटोग्राफी का खासा चलन है और लोग फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं दृश्य कि किस तरह से लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। लोगों का आनंद है फोटोग्राफी में। देखिए कपल किस तरह से फोटोग्राफी कर रहे हैं। चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं आखिर उनको अल्बर्ट हॉल के बारे में कैसे मालूम चला। मैम, आपको अल्बर्ट हॉल के बारे में कैसे मालूम चला? एल्बर्ट हॉल हम लोग कल जयपुर पहुंचे थे और यहाँ के प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है सबसे बातचीत हुई, तब उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप अल्बर्ट हॉल भी जा सकते हैं, आपके इंटरेस्ट का है और ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम लोग का इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। देसी विदेशी पर्यटक यहाँ की सभी खूबियाँ देखने के लिए उत्साहित हैं। यहाँ के सालों पुराने कालीन अपनी डिजाइन के लिए मशहूर तो हैं। इसको देखकर पर्यटक अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाए। अल्बर्ट हॉल की खूबियां यहीं खत्म नहीं होती, इसके अंदर खूबसूरती है। एक ऐसा राज छुपा है जो कि पुरानी चिकित्सकीय पद्धति का अद्भुत उदाहरण है। इसके साथ ही एक आश्चर्य भी है जिससे हम आपको अगले रिपोर्ट में रूबरू कराएंगे। आज हमने उस संग्रहालय के बारे में जाना जो कि राजस्थान के बड़े संग्रहालयों में शुमार है। इस संग्रहालय की स्थापना 21 फरवरी 1887 को हुई थी। मैं 3 दिन पूर्व ही इस संग्रहालय की 131वीं स्थापना दिवस था और आज भी इस संग्रहालय के अंदर आप देख सकते हैं कि इस संग्रहालय के अंदर आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ संग्रहालय में आते हैं। कहीं ना कहीं संग्रहालय को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, चाहे देशी पर्यटकों की बात करें चाहे विदेशी पर्यटकों की बात करें। कैमरामैन संजय के साथ जितेश जेठमलानी, इंडिया न्यूज़, जयपुर। चलिए हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।